मैं आदरणीय राधा दीदी से निवेदन करता हूँ और आप लोग करतल ध्वनि से जोरदार से उनका स्वागत करें, अभिनंदन करें, वंदन करें। आदरणीय राधा दीदी, परम पिता, परम शिक्षक, परम रक्षक, पिता परमात्मा के सर्व प्यारी संत, आज के मंच की शोभा प्रभु के विशेष रतन, सभा में उपस्थित मेरे प्यारे भाई और बहनों, शिवरात्रि के बाद का आज पहला सोमवार का दिन है। सोमवार का दिन किसका होता है? किसका होता है? शिव बाबा का होता है। आप सभी आज के दिन शिव बाबा को अर्पित करके यहाँ सभा में उपस्थित हुए हैं, तो उपस्थित होना ही सिद्ध करता है उस पिता के प्रति हमारे मन में सम्मान है, प्यार है, रिगार्ड, रिस्पेक्ट है। और मंच पर उपस्थित एक एक महानुभव जिनका वर्णन हो रहा था, ऐसे भी हम बैठे हैं ब्रह्माव्रत बिठूर की धरनी के पास बैठे हैं। ब्रह्मा जी के लिए कहा गया है, ब्रह्मा ने संकल्प किया, संकल्प से सृष्टि की रचना हुई। ऐसे हमारे भगवती भाई जी कह रहे थे, मन में संकल्प आया तो जो संकल्प से सृष्टि रचने वाले ब्रह्मा के किनारे पे आप बैठे हुए हो, क्या आपका संकल्प सिद्ध होगा या नहीं होगा? होगा नहीं होगा भाई? और संकल्प भी किसके लिए? अपने लिए, स्वार्थ के लिए, नाम मान शान के लिए नहीं, अनेकों के कल्याण के लिए। हमारे प्रकाश भाई, उमा बहन, भगवती भाई जी ने आज जो एंजिल वर्ल्ड, जो हम सबको फरिश्ता बनने की प्रेरणा देने वाला ये स्थान, जिसका निर्माण अनेकों के कल्याण के लिए, क्योंकि परमात्मा के जब से बने पूरे भारतवर्ष में चक्कर लगाने का मौका मिला। जहाँ भी जाते हैं सबसे पहले नाम जो होता है ना, जिन्होंने वो बनाया, जिसने दान किया, पहले बड़े बड़े अक्षरों में उनका नाम होता। हम पुण्य का कार्य कर रहे हैं ताकि सारे लोग क्या करें, उसके अवज में, उसके रिटर्न में मेरा नाम ले। आप जब गेट से एंटर करते हैं, कहीं भी नाम देखा भगवती भाई जी का? कहीं भी नाम है? इसका मतलब इस स्थान को बनाने का उद्देश्य क्या रहा, किस लिए? क्योंकि राजनीतिक क्षेत्र में रहकर जहाँ कायदे कानून को बनाया जाता, पालन किया जाता है, तो देश की, प्रदेश की स्थिति गति को जानते हुए भी इतना बड़ा कदम, इतनी बड़ी भावना उन्होंने ली है, तो इसका मतलब इनके मन में समाज के अंदर, समाज को एक श्रेष्ठ, पावन, पवित्र एंजिल, छोटा मोटा काम नहीं है। एक सेकंड में एक नींद गोली खा करके भी 8 घंटा किसी को नींद आती है, नींद की गोली खाने के बाद बड़ा खुश होते हैं, आज मैं ऐसा लग रहा था मैं उड़ रहा था एक गोली खाने के बाद। तो भाई साहब ने ऐसा स्थान जहाँ आने वाला हर व्यक्ति कैसा महसूस करे, एंजिल्स कैसे होते, धरती पे होते, उड़ने का अनुभव करे, एक ऐसा स्थान बनाकर अनेकों के जीवन को खुशदायी, सुखनुमा, ये वास्तव में ये राजनीति के आधार पर राज्य करने वाले, नीति को उन्होंने पहले रखकर राज्य करने की विधि को अपनाया है, सुख देना, खुशी देना, शांति देना।